सोचता है कि अगर अकारण करुण है तो हम लोगों पर कृपा क्यों नहीं कर देते, क्योंकि अगर भगवान कृपा कर दें तो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाए, असंभव संभव हो जाए। भगवान में 8 गुण हैं, अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजिगत्सो पिपासा सत्यकामः सत्यसंकल्पा, छांदोग्योपनिषद 8:1-5। अर्थात उन 8 गुणों में एक गुण है जिसका नाम है सत्य संकल्प। क्या मतलब? जो सोचा हो गया, करना नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोगों को कुछ पाना होता है तो कुछ करना पड़ता है ना, एक बेटा चाहिए तो चलो ब्याह करो, एक श्रीमती लाओ खोपड़ी पर रखो, इतना बड़ा बंधन खोपड़ी पर मोल लो, और फिर भी क्या पता वो बेटा हो कि ना हो, बेटी हो गई, अब तो दूसरी बात, फिर बेटी हो गई। अरे चित्रकेतु राजा एक हुए हैं सतयुग में, उन्होंने 1 करोड़ ब्याह किया और बेटा नहीं हुआ, 1 करोड़। तो संसार में तो कर्म करने पर भी सही फल मिले ना मिले डाउट है, और अगर सही फल मिले भी तो कर्म करना पड़ता है। एक गस्सा खाना भी बिना मेहनत के कोई 56 व्यंजन ला के परोस दे, हम बिना कुछ किए, कोई सेठ दान कर दे, दावतें होती हैं ना गरीबों के लिए, फिर भी भूखा बैठा है। क्यों भूखा है रे? हमने खाया नहीं, को थाली तो रखी थी। हाँ हमने कहा अब कौन खाए, तो रो रो नहीं खाओगे तो? अरे हाथ को उठाओ, गस्से को लो, मुंह में डालो, चबाओ, निगलो, दूसरा गस्सा लो, जब 50 गस्सा पूरा हो जाए तब पेट भर जाएगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन भगवान का बड़ा बड़ा काम, इतना बड़ा संसार बनाया भगवान ने, कैसे? संकल्पा देवास्त पितर समुत्तिष्ठन्ति, संसार बन जाओ, बोले भी नहीं, सोचा बन गया, उसको सत्य संकल्प कहते हैं, यानी सोचा और हो गया। तो अगर वे सोच लेते एक बार, अनंत कोटि ब्रह्मांड के सब जीव माया से उत्तीर्ण होकर मेरे लोक में आ जाए, तो हम लोगों का काम बन जाता। ये राधे राधे का चक्कर जो है तमाम जन्मों तक ये न करना पड़ता। तो कैसे अकारण करुण है कि इतनी सी कृपा नहीं कर सकते, और हमारे साथ 24 घंटे हैं, हमारे आइडियाज नोट करते हैं। हाँ, अकारण करुण इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम शरणागत हो जाओ,
शरणागत हो जाओ, सरेंडर। सारी गीता क्या है, अर्जुन प्रारंभ में ही कहता है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु मान रहा हूं मैं आपको, भगवान भगवान नहीं, गुरु। बड़ा चालाक है अर्जुन। अगर भगवान कहता तो भगवान कहते गुरु के पास जाओ, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हमसे नहीं हो सकता, कह रहा आप गुरु मैं मिलता हूं। तो अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। तो ये सब तो मैं मारूंगा तो पाप होगा, तो उनकी स्त्रियां विधवा होंगी, नरक होगा, मैं ये सब पाप नहीं करता, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा क्या पागल आदमी है, हमसे इसने मांगा द्वारिका में कि बिना हथियार के आपको हम लेते हैं, अब 18 अक्षौहिणी फौज यानी 48 लाख मिलिट्री हथियार बंद एक पार्टी को दे रहे हैं, और एक को अपने आप अकेले, वो भी बिना हथियार के। तो अर्जुन ने कहा हम आपको लेते हैं। क्यों कहा? अगर अर्जुन भगवान को नहीं जानता था तो कहता कि महाराज आधी फौज हमको दीजिए, आधी फौज कौरवों को दीजिए, ये कौन सा न्याय है कि एक को 48 लाख की फौज हथियार बंद और एक तरफ आप अकेले बिना हथियार के, आपकी पूजा करना है क्या? तो तब तो तूने हमको ले लिया, अब जब युद्ध के मैदान में आए तो कहता है इनको मारूंगा, तो किसको मारने के लिए पहले सोचा था? अरे तुझको तो मालूम था पहले ही कि कौरवों से लड़ना है, और लड़ने का मतलब क्या, मारना, युद्ध में और क्या पूजा होती है? तो तू कहता है मैं शिष्य हूं, शिष्य का मतलब क्या होता है जानता है अर्जुन? मैं एव मन आदत्तो मैं बुद्धि निवेशय, मन बुद्धि दोनों मुझको दे दे तब शिष्य तू कहलाएगा, और अगर दोनों दे देगा तो फिर ये सोचने का अधिकार नहीं है ऐसा करूंगा तो पाप होगा। 18 अध्याय का लेक्चर दिया भगवान ने, और सबके अंत में 18वें अध्याय का 66वां श्लोक भगवान ने कहा देख अब मैं अंतिम बात बताता हूं, इसके आगे मैं नहीं लेक्चर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज, ये पाप पुण्य और धर्म और अधर्म सबको छोड़ दे और केवल मेरी आज्ञा मान, गुरु की, मन बुद्धि गुरु को दे। महाराज ये जो आपका वेद कहता है पाप लगेगा, पाप उसको लगेगा जो गुरु के शरणागत ना हो, भगवान के शरणागत ना हो उसको पाप लगेगा। ये पाप पुण्य का कानून शरणागत के लिए नहीं है। अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ये कानून के अंतर्गत है कि जो हरि गुरु के शरण में चला जाएगा उसके द्वारा किए हुए कर्म का पाप पुण्य नहीं हो फल भोगना पड़ेगा।
अर्जुन ने कहा ठीक है तब तो हम तैयार हैं। अरे तो गधे पहले ही कह देता, तो तूने तो कहा था कि मैं शिष्य भी हूं और बुद्धि भी लगाऊंगा। देखो हम लोग पढ़ने जाते हैं, इंग्लिश पढ़े हैं आप लोग तमाम लोग, एक एक शब्द की स्पेलिंग अलग अलग होती है, कोई कानून कायदा नहीं है, ये लिखो बोलो मत ये साइलेंट कहलाता है। ये लो ये क्या बीमारी है जी, हमारी हिंदी में तो ऐसा नहीं होता, उर्दू में ऐसा नहीं होता, ये कैसी भाषा है आपकी, हर एक शब्द की स्पेलिंग रटो। कितना ही बड़ा विद्वान हो इंग्लिश का, इंजीनियरिंग के शब्दों की स्पेलिंग नहीं जानता, कितने बड़ा इंजीनियर हो मेडिकल शब्दों को नहीं लिख सकता, सबकी स्पेलिंग अलग अलग, ना ई ना ए ना आ, किसी का कोई कायदा कानून नहीं। लेकिन अगर इंग्लिश का विद्वान बनना है तो रटो बेटा, हा? अरे हिंदी ही पढ़ना है आपको, तो कोई बच्चा कहे कि मास्टर साहब ये जो आप कहते हैं ये का होता है इस तरह का, इसको का क्यों कहते हैं, इसका नाम का क्यों है? अरे है बस मान ले, जबरदस्ती मान ले। हम हर जगह बुद्धि की शरणागति करते हैं संसार में, लाखों रुपया बैंक में दे दिया और खड़े हैं बाहर, वो गिन रहा है, वो बेईमानी कर जा 1000 2000 की, ये तुम्हारा रुपया कम है 1000। अरे साहब मैं गिन के लाया हूं। अरे तो मैं कोई अंधा हूं, मैं अभी तो गिन रहा हूं। संसार चल रहा है, सर्वत्र आप बुद्धि का समर्पण करते हैं, ये बड़े बड़े अरब पतियों के नौकर चाकर ले जाते हैं बैंक में करोड़ों रुपया, वो खुद नहीं जाते और वहां से ले आते हैं वही नौकर चाकर, सब काम चल रहा है बुद्धि का अर्पण करके। अरे देखो आप सब लोग अपने बाप को बाप कहते हैं ना, क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है वह बाप आपका बाप है, सिद्ध करे कोई विश्व में। अजी वो बाप कह रहा था, मां कह रही थी, अरे मां झूठ नहीं बोलती, जो करेक्टरलेस मां होगी वो 1000 झूठ बोलेगी, वो सही क्यों बताएगी। लेकिन आप मानते हैं हमारा बाप यही है, तो भगवान के एरिया में आप क्यों बुद्धि लगाते हैं? भगवान इतना दयालु है, वो कहता है हमको भगवान मान के प्यार करो तो भी हम तुमको अपना लोक देंगे, और भगवान ना मानो मनुष्य मान लो, अपना बाप मान लो, बेटा मान लो, पति मान लो और प्यार कर लो तो भी अपना लोक दे दूंगा, इतना दयालु कौन होगा। नहीं, भगवान एक कानून बना देते, जो भगवान मान के प्यार करेगा उसी को गोलोक मिलेगा। तो भगवान जाने तब तो माने आपको भगवान, ये माइक बुद्धि वाला कैसे जान ले कि आप भगवान हैं? तो भगवान ने कानून बनाया कि दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, ये चार मान लो हमको, स्वामी, सखा, बेटा, प्रियतम, जो भी मान के हमको प्यार कर लो। देखो
पारस और लोहे को प्यार से छुआ दो सोना बनेगा, लड़ा दो गुस्से में तो भी सोना बनेगा। कोई जान के जहर पिए मरने के लिए तो भी मरेगा, किसी को धोखे से जहर पिला दो तो भी मरेगा। गोपियां बिना भगवान जाने प्यार करती हैं वो भी गोलोक गई। दुश्मनी करके भी गया शिशुपाल कंस गोलोक। मन का अटैचमेंट होना चाहिए, किसी तरह से हो जाए। कितना दयालु है भगवान, इसलिए उसको अकारण कर्ण कहते हैं। नंबर दो, देखो ये जो साधना बताता है वेद शास्त्र पुराण संत कि साधना करो तब कृपा होगी, इसका मतलब क्या है? दाम दे रहे हैं आप? नहीं नहीं, उनकी कृपा का ये दाम नहीं है। आप जो साधना करते हैं मन से वो तो माइक, क्योंकि मन ही माइक माया का बना है, तो माया का बना माया के द्वारा किया गया कोई भी साधन माइक होगा। गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानहू भाई। तो भगवान कहते हैं अपने मन को तुम शुद्ध कर दो, बस, और तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे मन में जो गोबर गणेश भरे हैं, ये माँ बाप बेटा स्त्री पति ये संसार का प्रपंच, इसको निकाल दो, इतना काम तुम्हारा। फिर कृपा के द्वारा मैं दिव्य 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 सामान दूंगा, उसका दाम तुम नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई दिव्य दाम है ही नहीं। देखो जब मटेरियल सामान आप लोग खरीदते हैं बाजार में तो मटेरियल दाम देते हैं, ये साड़ी है मटेरियल माया की और ये पैसा है माया का, तो लेन देन होता है। और भगवान का सामान तो दिव्य है, उनका दर्शन उनका प्रेम उनका आनंद, और आपके पास देने के लिए क्या है? माइक शरीर, माइक मन, माइक बुद्धि, बस ये सब गंदा, ये भगवान के काम का तो है ही नहीं। अरे संसार में भी आपका ये शरीर हर एक नहीं ले सकता। कोई लड़की कहे हम तो प्राइम मिनिस्टर के लड़के से ब्याह करूंगी, अच्छा जाओ उसके गेट पर तो जाओ, बंद कर देंगे पुलिस वाले, ब्याह करने चलिए पीएम के लड़के से। अरे जैसी हैसियत होती है वैसा ब्याह होता है। नंबर दो, तू ये तो देख लड़की तेरा रूप कैसा है, तेरा गुण कैसा है, तेरी क्वालिफिकेशन कैसी है। अरे अपनी बराबर की हैसियत में ही लड़के लड़की शादी करते हैं संसार में, भले ही बाद में धोखा हो जाए लेकिन अकल लगा करके सब बराबरी में करते हैं। तो भगवान और हम कोई मुकाबला है? हम क्या दे देंगे भगवान को कि वो खुश हो जाएगा? और उसको पास कमी क्या है? वो तो परिपूर्ण सत चित आनंदमय, फिर भी वो कृपा करता है। हाँ गोपियों की छाछ पर नाचता है, गोपियों के पीछे पीछे घूमता है, प्यार मांगता है, इतनी कृपा करता है।
हाँ अरे और तो और वो कुबजा जो तीन जगह से टेढ़ी थी उसको कृपा करके श्रीमती बना लिया, उसको सीधा कर दिया। क्यों? उसने मन बुद्धि अर्पित कर दिया, बस खुश हो गए ठाकुर जी। वो कहते हैं तुम सरेंडर करो, बाकी काम मैं करूंगा। तुमको गोलोक में दिव्य शरीर दूंगा, ये गंदा शरीर नहीं, मन भी दिव्य कर दूंगा, बुद्धि भी दिव्य कर दूंगा, आनंद भी दिव्य वाला दूंगा, ये गंदा आनंद नहीं जो एक क्षण में खत्म हो जाए। अभी बेटे को चिपटाया आनंद मिला, दोबारा चिपटाया आनंद कम, तेबारा खत्म, जाओ बेटा खेलो। ये क्या बीमारी है जी, हर बार उतने आनंद मिलना चाहिए ना। कोई भी चीज, ताजमहल देखा आगरे का, हाँ दोबारा, अरे हम देख चुके हैं। अरे देख चुके हो तो पहली बार तुमने बहुत तारीफ की थी, अरे ठीक है हो गया, बार बार क्या देख। जब लड़कियों का ब्याह होता है तो पड़ोसी और रिश्तेदार देखने आते हैं और देखने का चार्ज देते हैं, और साल भर बाद अगर वो लड़की बीमार हो जाए सीरियस, और पड़ोसी से कहे अरे भाई डॉक्टर बुला दो बहुत बीमार है, टाइम नहीं है। ये संसार ऐसे ही है। तो भगवान के यहां सब दिव्य चीजें मिलेंगी, तुम अंतःकरण को सबको निकाल दो, संसार को शुद्ध कर दो, फिर उस पर कृपा करके गुरु और भगवान उसको दिव्य बनाएंगे, दिव्यानंद देंगे, दिव्य ज्ञान देंगे, दिव्य शरीर देंगे और सदा को देंगे। ये कृपा है, इसलिए वो अकारण करुण है।